नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी डेटा का जो है फिल्टर वैल्यू का जो है सम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मेरे पास यहां पे कुछ आइटम्स है यहां पे। ठीक है, अगर इस आइटम्स में यहां पे टोटल वैल्यू का मुझे सम निकालना है तो आप जो रेगुलर मेथड जो सम में यूज करते हो क्या है, सम। ठीक है, जैसे ही सम करते हैं इसको तो ये सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे आ गया। अभी क्या है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मैं ये सभी पर्सन को सेलेक्ट करता हूं और इसमें एक फिल्टर ऑप्शन लगा देता हूं। ठीक है, जैसे ही फिल्टर ऑप्शन लगाऊंगा और यहां पे मैं किसी एक सेल्समैन को जो है यहां पे सेलेक्ट कर रहा हूं, सेल्स पर्सन को, तो देखिए यहां पे जो वैल्यू जो है जितना था पहले सम का वैल्यू वही वैल्यू दिखा रहा है। मेरा अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं जो सेल्स पर्सन का जो वैल्यू सेलेक्ट करूं और यहां पे जो विजिबल हो सिर्फ वही यहां पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले मैं फिल्टर हटा दे रहा हूं। तो देखिए यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एक फंक्शन जिसका नाम है सब टोटल। ठीक है, यहां पे यूज कर रहा हूं सब टोटल, और सब टोटल के लिए जो है नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, जो है यहां पे फंक्शन चाहिए, यहां पे 9 नंबर में है सम। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे प्रेस कर रहा हूं कोमा। ठीक है, उसके बाद जो है रेफरेंस के तौर पे मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूं और इसको प्रेस कर दे रहा हूं एंटर। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि मतलब जो अभी देखिए टोटल सम जो है सेम है और सब टोटल से जो अप्लाई किया हूं वो भी वैल्यू यहां पे सेम ही है। इसका देखिए अंतर क्या पता चलेगा, जब मैं यहां पे फिल्टर कर रहा हूं और किसी एक सेल्समैन का जो है यहां पे वैल्यू यहां पे निकाल रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, जो एक सेल्समैन का जो वैल्यू है यहां पे जो फिल्टर होके जो वैल्यू है वो उतना ही यहां पे जो है दिखा रहा है, लेकिन सम वैल्यू जब फॉर्मूला आप अप्लाई किए थे उस टाइम जो है टोटल वैल्यू दिखा रहा था और अभी भी टोटल वैल्यू है, लेकिन यहां पे जब आप सब टोटल वैल्यू यूज कर रहे हो तो उस टाइम में जितना आपको यहां पे अपीयर हो रहा है, जितना यहां पे दिख रहा है वही वैल्यू जो है यहां पे आपको आएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट सेल पर सेल्स में पर्सन का जो है सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे उसके अनुसार जितना यहां पे वैल्यू शो कर रहा है वही वैल्यू यहां पे दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक और ऑप्शन है सब टोटल में, जब आप यहां पे मैं इक्वल टू कर रहा हूं और यहां पे सब टोटल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, जब आप सब टोटल के वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है 9 नंबर में क्या है आपको सम मिलता है। अगर इसी को डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है 109 में भी सम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 109 और यहाँ पे जो 9 नंबर है दोनों में सम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 109 का जो वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको जो है कोमा देके रेफरेंस वैल्यू में ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या हो रहा है, दोनों का वैल्यू जो है सभी इक्वल आ रहा है। मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो को, जैसे यहाँ पे इस रो को क्या कर रहा हूं मैं, हाइड कर रहा हूं, ये सेल्स पर्सन कौन है, मनोज, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अभी देखिए डिफरेंस आपको पता चल रहा है, यहां देखिए टोटल सब में क्या वैल्यू आ रहा है, सब में जो रेगुलर मेथड से है वो तो इतना आ रहा है, आप जो रेगुलर सब टोटल किए हो जिसमें 9 वैल्यू किए हो सम का उसमें भी जो है आपको सेम वैल्यू आ रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है, देखिए तो ये जो है आप जब सब 109 किए थे उस कंडीशन में आपको डिफरेंस आ रहा, मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी भी सेल को अगर हाइड कर रहे हो तो सब टोटल का जो है 109 वाला सम जो है वो जो है हाइड सेल का वैल्यू कंसीडर नहीं करता है, जबकि यहां पे सब टोटल 9 जो है वो कंसीडर करता है। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस था, और यहां पे अभी जो आप फिल्टर लगाओ सभी कुछ जो है पक्का काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सभी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको यहाँ देख रहे थे कि मतलब आप जो सेल को हाइड किए थे मतलब ये जो है सिर्फ जो हाइड वाले को जो है कंसीडर नहीं करता है 109। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक सेल्समैन है, इसको मैं हाइड करके दिखाता हूँ, इसको मैं हाइड कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ, ओनली मनोज का डेटा सेम कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है
दोनों काम कर रहा है। मैन क्या है, ये हाइड वाला सेल को, यहाँ पे हाइड कर रहा हूं, इसको हाइड कर रहा हूं, तो ये जो है हाइड वाला सेल को जो है नहीं लेगा। ओके, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। समझ में आया किस तरह से हम लोग सब टोटल का यूज करते हैं और यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद और विदाउट फिल्टर क्या डिफरेंस आता है, सम 109 और 9 में जो है क्या डिफरेंस आया। ठीक है, तो मतलब सब टोटल में 109 क्या हो, फिल्टर ऑप्शन को जो है करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड सेल का वैल्यू कंसीडर नहीं करता है, वहीं पे 9 वैल्यू जो है वो हाइड सेल का भी वैल्यू कंसीडर करता है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।